हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्शद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में और एक नए अपडेट में। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, ये देख सकते हैं जो दीदारगंज, दीघा से दीदारगंज के लिए जो मरीन ड्राइव बन रहा है, अभी मैं फिलहाल दीदारगंज के साइड पर खड़ा हूं और दीदारगंज के पास क्या काम चल रहा है उसका ताज़ा तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे कि अभी दीदारगंज के पास क्या काम हो रहा है। हालाँकि आपको पता होगा कि दीघा से लेकर के PMCS तक जो है सो 15 जून से पहले जो है उसका उद्घाटन हो जाएगा। उसका पहले फेज का जो काम है वो पूरा ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल दो स्पैन जो है बनके तैयार हो चुका है, उसका ढलाई का भी काम पूरा हो गया है। हालांकि यहां पर डी शटरिंग का काम चल रहा है, जो शटरिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है और उसके बाद उधर में भी जो है सो शटरिंग लगाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्कर है, काफ़ी सारे जो टीम है वो सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, समझ लीजिए इधर भी काम चल रहा है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, 11 पिलर जो है बनके तैयार हो गया है और 11 पिलर में से दो स्पैन जो है तो समझ लीजिए बनके आपका तैयार हो चुका है। तो दीदारगंज के पास जो रैंप उतरेगा उसका भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे और कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन में ये जाकर के कनेक्ट होगा। तो ये देख लीजिए 11 नंबर का पाया है और 11 नंबर के आगे पाया जो है SP सिंगला को मतलब मिला है। यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है GR इंफ्राटेक लिमिटेड काम कर रही है, जो कि 11 नंबर पाया तक जो है सो GR इंफ्राटेक लिमिटेड को मिला है और आगे बढ़ेंगे तो SP सिंगला नाम की कंपनी है वो काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो टेलर है उसमें सरिया वगैरह भी रखा हुआ है, जो सरिया बंदी का काम है वो चल रहा है। आगे में पाइलिंग का भी काम हुआ है उसका भी आप लोगों को तस्वीर दिखाएंगे। ये पाया तक जो है सो GR इंफ्राटेक लिमिटेड को काम मिला है, लेकिन इस पाया से आगे जो है सो SP सिंगला नाम की कंपनी वो काम कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पाया दिख रहा है ये 12 नंबर का पाया है और 12 नंबर के पाया के आगे जो है सो SP सिंगला नाम की कंपनी है उसको मिला है टेंडर। तो यहाँ जो है GR इंफ्राटेक लिमिटेड का कंपनी काम कर रही है, हालांकि इसका भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और GR इंफ्राटेक लिमिटेड जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, केबल स्ट्रेसिंग का भी काम देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुआ है। हालांकि जो मेन स्ट्रक्चर का जो ब्रिज का जो लोड कैपेसिटी है वो केबल के ऊपर ही रहता है और देख सकते हैं बिल्कुल जूम में आप जूम कर दिया हूँ मैं आप लोगों को और देख सकते हैं काफ़ी सारा डक्ट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12 डक्ट है जिसके अंदर स्ट्रेसिंग किया जाता है, मतलब केबल डाल करके उसको स्ट्रेसिंग कर दिया गया है। पहले स्पैन ढलाई किया गया है, उसके बाद केबल डाला गया है, केबल डालने के बाद स्ट्रेसिंग कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ग्राउटिंग भी कर दिया जाता है। ये चीज़ देख लीजिए आप लोग, काफ़ी ब्रिज को जो है मजबूत का जो है सो समझ लीजिए काम कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी हैवी तरीके से काम हो रहा है। चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन में, जो इसका रैंप मिलेगा कहाँ पर मिलेगा उसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाया का निर्माण है वो हो चुका है और आप लोगों को लेकर के चलेंगे कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का जो रैंप उतर रहा है उसका भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहें। कहाँ पर क्या काम हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए, सामने कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का जो पाया है वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा। हालांकि कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ कारण की वजह से कंपनी का कुछ पॉलिसी है, किसी को ठेस ना पहुँचे इसी वजह से जो कंपनी जो है सो समझ लीजिए एक तरह से मना किया है, एक तरह से समझ लीजिए कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसकी वजह से हम कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। इधर में देख लीजिए दीदारगंज का जो पाया है सब बनके तैयार हो चुका है और सामने देख सकते हैं कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का जो पाया है वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, उसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। 2 नंबर पाया से लेकर के आप अगर 57 नंबर पाया तक गिनती करेंगे तो सारे पाया जो है बनके तैयार हो चुका है, बीच में सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर का पाया बनाने का जो काम है वो बचा हुआ है और एक 34 नंबर का पाया जो है उसका निर्माण अभी बचा हुआ है। बाकी का जो कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का पाया है सारा बनके तैयार हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं सब पाया बनके तैयार हो गया, लॉन्चिंग भी फर्स्ट क्लास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्चिंग भी एकदम तेज़ी से हो रहा है कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन में। और 11 नंबर का पाया भी जो है सो बाढ़ आने से पहले पहले जो है उसको बना लेना है, कंपनी का टारगेट यही है। तो यहाँ पर देख लीजिए आई गटर का भी निर्माण हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा आई गटर का निर्माण हो गया है, यहाँ पर कुछ केबल डाल करके स्ट्रेसिंग का काम हो रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं इसका रैंप कहाँ पर उतर रहा है उसकी ताज़ा तस्वीर आप लोगों को दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ पर मिट्टी फिलिंग का काम हो रहा है, तो वीडियो में बने रहें, आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कहाँ पर इसका जो है सो रैंप उतर रहा है। सामने देख सकते हैं कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन का पाया आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा बालू वाला रास्ता है, थोड़ा सा गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और हवा भी बहुत काफ़ी तेज़ है, उसका नॉइज़ भी थोड़ा जा रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए मैं अभी दीदारगंज का जो रैंप उतरेगा, दीदारगंज के पास जो रैंप उतरेगा मरीन ड्राइव का,
वहाँ पर मैं आ गया हूँ। और ये देख लीजिए कच्ची दरगाह बीजूपुर सिक्स लेन में जो है ये कनेक्ट किस तरह से होगा उसका ताज़ा तस्वीर आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ही जो है सो मरीन ड्राइव का आपका रैंप उतरेगा जो कि देख सकते हैं। यहाँ पर ही देख लीजिए मिट्टी फिलिंग कर दिया गया है। यहाँ पास में ही यहीं पास जो है सो समझ लीजिए मरीन ड्राइव का रैंप उतरने वाला है। और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर कच्ची दरगाह बीजूपुर सिक्स लेन का जो रैंप उतर रहा है सबलपुर के पास उसमें जाकर के डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कच्ची दरगाह बीजूपुर सिक्स लेन का जो रैंप है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा गाड़ी वगैरह है ये देख लीजिए कच्ची दरगाह बीजूपुर सिक्स लेन का जो रैंप उतर रहा है यहाँ पास में उतर रहा है। तो आप मरीन ड्राइव से उतरेंगे और सीधा मतलब कच्ची दरगाह बीजूपुर सिक्स लेन का जो रैंप है उसमें चढ़ जाएंगे और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आप इधर जा सकते हैं। बिल्कुल मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा जो है जाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इधर आप लोगों को शायद आइडिया लग गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।